पचपौली पुलिस स्टेशन के हद में जबरन चोरी की घटना सामने आई है। 23 वर्षीय युवती जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई, तब आरोपी सूरज रजक ने उसे रोककर उसके पास से पर्स और मोबाइल छीन लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि घटना में फरियादी 23 वर्षीय युवती रोज की तरह घटना के दिन भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे कश्मीरी गली में रोककर धमकाते हुए उसके पास से पर्स और मोबाइल ऐसा कुल 31,000 का माल छीन लिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पचपौली पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपराध नंबर 12/62 कलम 392 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी हे तिच्या मुलाला स्कूलमध्ये सोडून जात असताना काश्मीरी गल्लीमध्ये स्मृती बुटीक घटनास्थळ आहे काश्मीरी गल्ली स्मृती बुटीकच्या समोर यातील नमूद आरोपीने आपली गाडी फिर्यादीच्या गाडीच्या आडवी लावून त्याचे जबरन पर्स व मोबाईल चोरून घेऊन गेला होता। तपास पथकातील अंमलदार पोलीस नाईक विलास चव्हाण यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे व माहिती काढून यातील नमूद आरोपी यांना डे ऑफिसर PSI रहमत शेख साहब यांच्या समक्ष हजर केले। त्यांनी त्यास गुन्ह्याची कबुली आरोपीने गुन्ह्याची कबुली केल्याने PSI रहमत साहेब यांनी काल दिनांक 22/11/23 रोजी सदर आरोपीस गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीकडून गुन्ह्यातील इतर मुद्देमाल पर्स आणि नगदी 2600 रुपये व आरोपीने गुन्हा करतेवेळी वापरलेले वाहन जप्त करणे असल्याने नमूद गुन्ह्याचा आरोपीचा PCR घेऊन पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। तसेच यातील नमूद आरोपी हा सूरज अशोक रजक वय 26 वर्ष राहणार प्रदेश इथला असून तो पिली नदी यशोधरा नगर या भागात राहत आहे। वो तो कुट बंगल्यावर मामले में आरोपी किसी बंगले पर साफ सफाई का काम करता था, ऐसे में उसे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी, यह जांच करना जरूरी है। पुलिस ने इस मामले में इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।